मामी किचन में बैठ के खाना बना रही है, कोई मदद करने का शौक भी नहीं है। शौक क्या दिखा रहे हैं? यो, मामी के हाथ का खाना खाएंगे ब्रो। अच्छे से रही है, पता चला मामी के हाथ के खाना खाने के चक्कर में मामू के हाथ के चप्पल खा गए। मामू के पैर का चप्पल हाथ में डाल के खाएंगे, इसलिए हाथ का चप्पल। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मेरे फ्लैट में सुबह कुछ अलग सी हुई है। ये देखिए, भगवान को सुबह सुबह ही बत्ती वगैरह लग गई। भगवान भी सोच रहे होंगे कि अरे यार, मैं कहीं गलत घर पे तो नहीं आ गया, इतने सुबह मेरी पूजा तो कभी नहीं हुई इस फ्लैट पे। और इस फ्लैट में और भी बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, जैसे आज हम लोग नाश्ता करेंगे रोटी भुजिया सुबह सुबह। और ये है मेरा भाई अनुभव। रोज मिलता है ऐसा खाना। तुम मम्मी के साथ रहते हो ना? मैं मम्मी के साथ नहीं रहता हूँ ना। बुला लो। आती नहीं। तुम बोलो कि फुआ तुम चली जाओ भैया के पास। आ जाइए। तो माँ देखो, अनुभव भी बोल रहा है, आ जाओ यार, आ जाओ। चलिए अब हम लोग नाश्ता करें आज सुबह सुबह। हम लोग हमारे साथ साथ पवन भी आज बहुत दिन के बाद रोटी और भुजिया, बिल्कुल जो ट्रेडिशनल हम लोग का था, सुबह उठे तो भाई नाश्ता नहीं, नाश्ता रोटी भुजिया। गया के अलावा मुंबई में कभी पॉसिबल नहीं हुआ। संयोग से काफी दिन के बाद हम लोग एक जगह हुए हैं, तो ठीक है, कम से कम पुराना चीज ताजा हो जाएगा। और सारा क्रेडिट ममानी के ऊपर जाता है। हाँ। क्योंकि अगर ममानी नहीं होती तो ये हमको नहीं मिलता। हाँ, हाँ, ये बात अलग है, घर इनका है, टेबल इनका है, थाली इनका है, आटा इनका है, भिंडी भी यही लाई है। लाई है, लाई है, भिंडी भी यही लाई है, पर कुकिंग ममानी कर रही है, इनकी मामी कर रही है। यस, चलिए तो नाश्ता करते हैं। मामू का जतरा बन गया है सुबह सुबह। ये क्या हुआ मामू आपके साथ? अरे कोई बिस्ती कर दिया। यहाँ पे खड़े हैं खुले आसमान में, ऊपर कुछ नहीं है, खुले आसमान से बिस्टी कर दिया। मामू ये गुड लक होता है। गुड लक तो है। हाँ, मामू वहीं पे खड़े हैं, ममानी वहीं पे खड़ी हैं, सब लोग, लेकिन गिरा किसके ऊपर? मामू के ऊपर। हाँ, सेट हो गया ना, ऑन कर दीजिए ताकि मैप ऑन हो जाए। चलिए बाय बाय, हैप्पी जर्नी। दो एटीएम लगे हुए हैं, दोनों आउट ऑफ सर्विस, टेम्पररी सर्विस से बाहर, टेम्पररी सर्विस से बाहर। एक्सिस बैंक वाले में देखता हूँ, का तो हालत बहुत खराब है, स्क्रीन ही टूटा हुआ, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, ये दब भी नहीं रहा, बड़ा खराब स्थिति है। एक्सिस बैंक का तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है। यहाँ पे एटीएम इज नॉट वर्किंग मैन। महीने में एक दिन मुझे एटीएम जाने की जरूरत पड़ती है कैश निकाल के दीदी को देने के लिए, और उसमें भी एटीएम आउट ऑफ सर्विस है। आखिरकार मुझे पान की टंपरी वाले ने ही मदद किया, 1000 रुपये कैश मिल गया मुझे। कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस, आज मेरा लॉस हो गया। जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज जब लॉस हुआ है तो दिमाग ठंडा हो गया, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है, जबकि मार्केट बहुत अच्छा सुबह परफॉर्म किया था, अचानक से मार्केट गिर गया, तो 1300 रुपये का लॉस हो गया। एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट माई ड्रीम, कि मेरे सपने में जो मेरे गोली मारा था ना सर पे, बिकॉज यूनिवर्स ऑलवेज गिव यू अ मैसेज। अब समझना ना समझना इज अप टू यू। गर्मा गर्म पास्ता बना के खाऊंगा अभी शाम को, स्टार्ट 13 मिनट में रेडी हो जाएगा। और ये मेरा पास्ता बन चुका है, हम करेंगे पास्ता का नाश्ता। 8:15 हो रहे हैं इस समय शाम के, बाहर अंधेरा हो चुका है, मेरे साथ आज गेम ही गेम हो रहा है। पता है क्या, शाम को लगता है 3:30 के बाद एडिटिंग कर रहा था, उसके बाद कभी नींद आई पता नहीं, एडिटिंग करते करते मैं सो गया। कैन यू बिलीव इट। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले 7 बजे उठा हूँ, 6:30 में उठा, उस समय उजाला था, सोचा भूख भी लग रही है, पास्ता बनाया। अभी देखो दोबारा से पास्ता को मैंने चढ़ाया है, क्योंकि उसमें मैंने नमक बहुत ज्यादा डाल दिया और वो पका भी नहीं। माय गॉड, क्या हो रहा है। अब दूसरी चीज, ये मेरा पूरा हिस्सा जो है ना, ये दुख रहा है, ये इतना। सुबह जिम नहीं गया था, सोचा शाम को चला जाऊंगा, उसके बाद उठा तो भूख लग गई, भूख लगी तो पास्ता बनाया, उसमें नमक ज्यादा हो गया, सोचा पास्ता का नाश्ता करके जिम चला जाऊंगा, लेकिन अभी 8 बज रहे हैं और ये पूरा हिस्सा दुख रहा है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो पहले इतनी तेज भूख लगी है, पास्ता पक जाए ताकि पास्ता का नाश्ता कर लूं यार। मैंने किसी भी तरह पास्ता तो खा लिया, लेकिन टमाटर और प्याज जो मैंने डाला था वो ऐसे ही रह गया, इसमें नमक बहुत ज्यादा है। बहुत बहाने बनाने के बाद भी मैंने अपने दिमाग का नहीं सुना और अभी मैं निकल रहा हूँ जिम। सुबह तो गया नहीं था, इसलिए शाम को सोचा कि चला जाता हूँ। खाना बनाने का भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मामा जी गए हुए हैं दीदी के घर पे, तो दीदी ने फोन किया था कि आते वक्त रात का खाना वो भेज देगी, तो अपने को अभी करने के लिए कुछ नहीं था, तो जिम चलते हैं और करके आते हैं वर्कआउट। In all my odds,
वर्कआउट करने में बहुत मजा आया, काफी अच्छा 300 कैलोरी के लगभग मैं बर्न कर लिया। लेकिन शाम के टाइम पे इतना ज्यादा रश रहता है कि हालत खराब हो जाती है। एक एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है क्योंकि सब वही मार रहे हैं। अब चलते हैं घर, और घर से पहले थोड़ा सा नीचे जाते हैं, कुछ खा के आते हैं, हल्की सी भूख सी महसूस हो रही है। नीचे जाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि सिर्फ जंक फूड ही नीचे मिलते और नॉनवेज में ही मिलते हैं। अभी नवरात्रि है तो नॉनवेज तो बिल्कुल कट किया हुआ है, तो इसलिए ऊपर आ गया। प्रोटीन पीते हैं और वेट करते हैं। अभी 10 बज रहा है, थोड़ी देर में मामा जी आ जाएंगे खाना लेकर के, तो खाना खा लूँगा। भूख बहुत हाई लेवल की लगी है, बहुत हाई लेवल की। घर आया था, सोचा कि बनाना शेक बना लूँगा, लेकिन एक बनाना बचा था उसे देखो यहाँ फेंक दिया क्योंकि वो खराब हो गया था। तो बनाना शेक पीना भी कैंसिल, सिर्फ प्रोटीन पीते हैं और मौज लेते हैं। तो गाइज अभी मैं भी खाना का वेट कर रहा हूँ और एक प्ले देख रहा हूँ Zee5 पे, पुरुष। अब उसके कुछ एक चंक हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप लोग नॉर्मल होकर के पॉइंट जीरो पे आकर के विचार कीजिए। शक्ति 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 तब तो आप लोहिया जी के विचारों में इत्तेफाक रखती हूँ। कौन से विचार? देखो तो समानता में विश्वास रखते थे, जेंडर इक्वेलिटी। तो फिर आप बताइए कि सिर्फ बीमन को ही एम्पावरमेंट क्यों, मेन को एम्पावरमेंट क्यों नहीं? जब मैन बीमन दोनों बराबर हैं तो सिर्फ बीमन को ही एम्पावरमेंट क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम पेट्रियार्कल मैं आसान कर देती हूँ, हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। प्लीज सॉरी टू इंटरप्ट यू, पेट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स पितृ प्रधान सत्ता हमारे तो, और जो आप बात कर रही है दैट इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज। माई मिस्टेक, हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं। जहाँ मेल तो ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं, एम्पावर्ड है। रेप तो औरतों का होता है। जी दो तरह की बातें कर रहे हैं बाबूजी, बताइए। एक तरफ कहती है कि मेल फीमेल दोनों बराबर है, दूसरी तरफ कहती है कि पुरुष ताकतवर और औरत शोषित हो रही। दोनों बातें सही कैसे हो सकती? बोलिए क्या मतलब है? नहीं बोलिए, नहीं तो कहीं पे आई लॉस्ट। तो गाइज ये जो चंक मैंने आपको दिखाया अभी, इसके ऊपर मैं आप लोगों का राय जानना चाहूंगा पॉइंट जीरो पे आकर। सब्र का फल मीठा होता है और यहाँ साथ साथ मीठा के साथ तीखा भी है। ये पूरी सब्जी, पनीर का सब्जी मीठा, और ये साथ में खीर।